हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त तारक मेहता शो में जो नया ट्रैक है वो है जेठालाल चंपकलाल और टप्पू का खाने की तलाश करने के ऊपर, जिसकी शुरुआत होती है जब बबीता जी जेठालाल और फैमिली को खाने पर इनवाइट करने के लिए आती है। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद क्या क्या होता है। पोपटलाल जबरदस्ती बबीता जी के साथ खाना खाना कैंसिल कर देता है और खुद भी अपने घर तीखा खाना बना देता है, जिसके बाद तीनों जेठालाल, टप्पू और चंपक चाचा का मूड खराब हो जाता है और उसके बाद तीनों को खाना पड़ता है अंजलि भाभी का बनाया हुआ डाइट सलाद फूड। अब इसके बाद ये बात पता चलती है सबको और सब जेठालाल एंड फैमिली को सरप्राइज देने के लिए सुबह सुबह नाश्ता लेकर जाएंगे और उसके बाद ये ट्रैक खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये स्टोरी के बीच क्या आपने एक बात पर ध्यान दिया? जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने एक बात नोटिस की होगी और वो ये कि क्योंकि दया सुंदर के साथ अहमदाबाद चली गई तो उसके बाद बबीता जी उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करने गई। लेकिन दया भाभी तो ऑलरेडी इतने महीनों से सोसाइटी में नहीं थी और बाहर गई हुई थी। पहले किसी ने क्यों इनवाइट नहीं किया कभी? क्योंकि पहले भी तीनों अकेले ही रह रहे थे बिना दया के इतने दिनों तक। उस बीच बस एक बार टप्पू को नूडल्स बनाते हुए दिखाया गया था, उसके अलावा कभी खाने की बात हुई ही नहीं। तो इतने महीनों तक तीनों कैसे खाना खा रहे थे? क्या वो रोज नूडल्स बनाकर खा रहे थे? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। और सभी गोकुलधाम वालों को भी अब जाकर उनकी याद आई जब दया भाभी दोबारा से अहमदाबाद गई। तो आई होप आप में से काफी लोगों ने इस बात को नोटिस जरूर किया होगा। अगर किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉलीवुड टॉक को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन पा सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।